ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच हो रहा विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे ही ये मुद्दा शांत होता है, कंगना फिर गड़े मुर्दे उखाड़कर ऋतिक के जख्म हरे कर देती हैं। ऋतिक ने अब तक शांति के साथ कंगना के इस तूफान का सामना किया है, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर आने लगा तो वे भी एक्शन के मोड में आ गए। 2 अक्टूबर को ऋतिक ने कंगना के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने बताया कि कंगना उन पर नजर रखती है, उन्हें परेशान कर रही है। ऋतिक ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है। फेसबुक पर उन्होंने दिल खोलकर अपनी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि कंगना से वे अकेले में कभी नहीं मिले हैं। उन्होंने कंगना के साथ फिल्में की हैं, लेकिन कभी प्राइवेट मीटिंग नहीं की। ऋतिक लिखते हैं, 7 वर्ष लंबा तथा कथित प्रेम प्रसंग यदि 2 हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज के बीच चलता तो कुछ तो सामने आता। इसका कोई सबूत, कोई फोटो, कोई गवाह या कोई सेल्फी तक मौजूद नहीं है। कहा जा रहा है कि पेरिस में जनवरी 2014 में हमारी सगाई हुई, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं। आप मेरा पासपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें जनवरी 2014 में देश के बाहर ही नहीं गया मैं। 3000 वन साइडेड मेल्स हैं, जो या तो मैंने अपने आप को भेजे हैं या फिर उस महिला ने। साइबर क्राइम कुछ दिनों में ये बात साफ कर देगी। मैंने अपने लैपटॉप्स और फोन्स उन्हें दे दिए हैं, जबकि दूसरी पार्टी ने ऐसा करने से मना कर दिया है। ऋतिक ने लिखा है कि वे सच को सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि इस विवाद का असर उनके परिवार, घर और बच्चों पर हो रहा है।